इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पेटीएम में या कोई से भी प्लेटफॉर्म हो उसमें अगर हम पिन को चेंज करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से डेबिट कार्ड आ जाता है और डेबिट कार्ड पर एक्सपायरी और वैलिडिटी डेट ये क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो दो होते हैं MM, ठीक है, ये होते हैं मंथ, और YY ये होते हैं ईयर। अब जैसे कि मान के चलिए दूसरा महीना है तो 02 लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 10वां महीना है आपके कार्ड में, अब कार्ड में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलती है, दिखाऊंगा भी। अब मान के चलिए ये आपकी डेट है, ठीक है, और ये 10वां महीना है, और ईयर कैसे डलेगा, जैसे कि मान के चलिए 2024 है तो 24 डलेगा, 2025 है तो 25 डलेगा, 26 है तो 26 डलेगा, ठीक है, 2023 यहाँ पर डलने का नहीं है क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डालना पड़ेगा, या आपको कार्ड पर एक्सपायरी डेट शो कर जाती है, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, उस पर ये शो हो जाती है। ये कार्ड की वैलिडिटी रहती है जो कि डालनी कंपलसरी होती है। तो ये रहती है एक्सपायरी एंड वैलिडिटी डेट। अगर यहाँ पर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।